यह 11 कारणों से सिख समस्या की शुरुआत होती है। आज इसके बारे में बात करेंगे। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळेकर। मैं मनोविकार सेक्स रोग सम्मोहन तथा व्यसन मुक्तिज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में मुंबई पुणे अकोला यहाँ प्रैक्टिस करता हूँ। सेक्स समस्या लेके काफ़ी लोग आते रहते हैं। रोज 4-5 लोग तो फ़ोन मुझे करते ही करते हैं। 4-5 लोग उपड़ी में आते रहते हैं और वो अपने सेक्स के बारे में सवाल जवाब करते रहते हैं। मेनली उसमें दो रहते हैं, दो बीमारियां रहती है। एक है कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, मतलब लिंग में कठोरता नहीं आना, और दूसरा है शीघ्र बतन, उसको बोलते हैं प्री मैचर इजैकुलेशन या अर्ली इजैकुलेशन। तो इसमें कारण क्या है, तो हम देखेंगे 11 कारण जिसके वजह से सेक्स समस्या की शुरुआत होती है। इसमें मेनली साइकोलॉजिकल कारण ज़्यादा है, फिजिकल कारण एक ही है, और फिर एक फिजिकल कारण जो उसमें अनेक कारण फिजिकल है, शारीरिक कारण। तो हम देखते हैं कि कौन से। नंबर एक, सेक्स वर्कर के पास में कोई व्यक्ति जाता है, सेक्स वर्कर को मतलब वेश्या, उसको रहती है अपने पैसे की चिंता या पड़ी रहती है पैसे निकालो पहले। वो पहले पैसे ले लेती है, 500, 1000, 2000 जितने भी है उतने, और बोलती चलो जल्दी करो जल्दी करो, पुलिस आ जाएगी पकड़ लेंगे, ऐसा वैसा कुछ ना कुछ करेगी वो। और वो उसमें टेंशन रहता है दिमाग के ऊपर, डर रहता है, उसमें कभी सेक्स जमता नहीं है। और वहाँ से वो फिर उसको बोलती है कि देख तेरे को जमता नहीं, फिर आया क्यों है, ऐसा वैसा कुछ उल्टा पुल्टा बोल देती है वो, और तू आदमी में नहीं है, अच्छा इलाज कर जा, ऐसा बोल के निकाल देती है, हकाल देती है, और फिर वहाँ से शुरुआत होती है। नंबर एक। नंबर दो, गर्लफ्रेंड के साथ में सेक्स करने के लिए गए तो फिर वो कहीं भी किया जाता है, नाले के किनारे, खेत में, जल्दी जल्दी किसी के घर में, या और कहीं कि जहाँ बहुत जल्दी है, कोई आएगा कोई देख लेगा, और वो जल्दी में हो सकता है कि शीघ्र पतन हो जाता है या इरेक्शन होता नहीं, मतलब लिंग में कठोरता आती नहीं है, और फिर वहाँ से शुरुआत हो जाती है। वहाँ एकदम शॉक बैठ जाता है कि भाई अभी मैं काम का नहीं हूँ या मैं पुरुष ही नहीं हूँ, ऐसा उसको लगता है, वहाँ से शुरुआत हो जाती है। फिर तीसरा है कि सेक्स करते करते रेड हैंडेड पकड़े गए, एकदम फटाक से कोई तो भी आ गया, या ऐसा लगा कोई आ रहा है और उसका एकदम लिंग जो है कठोरता निकल गई, और वहाँ से उसको जो शॉट बैठ गया दिमाग में, और वहाँ से उसका समस्या की शुरुआत होगी और वहाँ से उसको जम नहीं रहा है। ये तीसरा कारण है। पहला बताया मैंने सेक्स वर्कर के पास में जाना, दूसरा बताया गर्लफ्रेंड के पास में सेक्स करना, तीसरा है रेड हैंडेड पकड़े जाना, चौथा है एक्सेसिव सेक्स करना। मतलब होता क्या है कभी कभी कि एक रात में 2 बार 3 बार 4 बार सेक्स करते हैं, हो सकता है कि तीसरी बार चौथी बार नहीं होता है, और जब वो इरेक्शन नहीं हो रहा है तो उसमें उसको झटका लग जाता है कि अरे बाप रे मैं अभी काम का नहीं रहा, मेरे में कुछ तो भी हो गया गड़बड़। मेरा दोस्त बोलता है कि मैं 8 बार करता हूँ, मैं तो 2 ही बार किया, तीसरी बार नहीं कर सका, और उसको जो धक्का बैठ जाता है दिमाग के ऊपर, दिल के ऊपर, और वहाँ से उसका जमता नहीं है। तो एक्सेसिव सेक्स करना और वहाँ से दिल को धड़कन हो जाना, दिमाग को धड़कन हो जाना, और एकदम शॉक बैठ जाना। पांचवा है कि बहुत ज़्यादा डिमांडिंग वाइफ रहे, तो वाइफ को निम्फोमेनिया है, मतलब ज़्यादा सेक्स है, ज़्यादा सेक्स करने की उसकी इच्छा होती है, वो डिमांड करते रहती है, और उसमें फिर आदमी को लगता है कि मैं कमज़ोर हूँ और मैं कर नहीं सकता हूँ, उसकी इच्छा पूरी कर सकता नहीं हूँ, और वो गिल्ट उसके दिमाग में आता है, और उसका सेक्स जो आता है वो भी बंद हो जाता है। तो ये पांचवा पॉइंट हो गया। छठवा है मास्टरबेटरी गिल्ट, मास्टरबेशन मतलब हस्तमैथुन करता है, और हस्तमैथुन करने से मेरा लिंग छोटा हो गया, हस्तमैथुन करने से मेरे लिंग में कठोरता आती नहीं, ऐसा उसको लगता है, और फिर वहाँ से उसका प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। जब ये विचार आता है तो गया काम से। फिर सातवा, एडवर्टाइजमेंट, अखबारों में विज्ञापन आते रहते हैं कि आपने बचपन में गलती की है तो जरूर हमें मिलिएगा, बचपन की गलतियों से यदि आपको सेक्स प्रॉब्लम आ रहे है तो जरूर हमसे कंसल्ट कर लो, और फिर उसको लगता है कि वो विज्ञापन जो सही है उनके पास में जाता है, वो डॉक्टर देखते हैं उनको, बोलते हैं कि तुमने बहुत हस्तमैथुन किया है, बहुत गलतियां की है, बस तुम काम में से गए चले गए, और वो फिर वहां से सेक्स कर नहीं सकता है। ये सातवां कारण। आठवां देखेंगे कि प्रेशर ऑफ फर्स्ट नाइट, सुहाग रात में बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है, और बहुत ज़्यादा प्रेशर तो कहीं कहीं ऐसे समाज मैंने देखे हुए कि जिनमें घर की बूढ़ी औरत छेद में से देखती है कि इनका सेक्स हुआ कि नहीं हुआ, मतलब इतना प्रेशर, और वाइफ भी डिमांडिंग है, सब लोग मतलब ऐसे यह है कि चलो आज सेक्स होने वाला है और इनका मतलब अभी पहली नाइट है, और वो इतने टेंशन में कि आज करना ही पड़ता है, परफॉर्मेंस एंग्जाइटी जिसको हम बोलते हैं, और उसमें फिर वो गल जाता है, टेंशन रहता है, और दिमाग में टेंशन है तो नीचे टेंशन आने वाला है नहीं, और वो फेल हो जाता है, फिर वहाँ से प्रॉब्लम शुरुआत हो जाती है। नौवा जो है वो फिजिकल एक्सर्शन, कि बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्सर्शन, दिन भर इधर उधर भागा दौड़ी चालू है, बहुत थक गया फिजिकली, रात में आके फिर सेक्स करने की कोशिश करते हैं, सेक्स जमता नहीं कि फिजिकली आप फिट नहीं हो, और वहाँ एकदम शॉक बैठ जाता है कि मैं अभी काम का नहीं रहा,
और वहां से शुरुआत हो जाती है। दसवां पॉइंट है वो स्ट्रेस, दिमाग में बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, टेंशन है, और फिर समझो लोन का टेंशन है, या किसी से झगड़ा हो चुका है, या कहीं ब्रेकडाउन्स बड़े बड़े कुछ हुए हैं ना, फाइनेंशियल स्ट्रेस समझो ज्यादा है, तो उसकी वजह से होता क्या है कि दिमाग ठीक नहीं है। दिमाग ठीक नहीं है तो वहाँ कुछ एक्साइटेटरी स्टिमुलस तैयार नहीं होते, एक्साइटेशन मिलता नहीं है, डिजायर कम रहती है, और तभी भी कोशिश किया करने की और लिंग में कठोरता नहीं आई तो फिर होता है कि अरे मैं काम का नहीं रहा। अब 10 ये हो गया, और 11वां जो एक आइटम है मगर उसमें और बहुत सारे आइटम्स है, वो है फिजिकल इलनेस। फिजिकल इलनेस मतलब शारीरिक बीमारी। शारीरिक बीमारी जो है वो हो सकता है डायबिटीज, ब्लड प्रेशर है, उसकी दवाइयाँ हैं, फिर आर्थराइटिस है, फिर ब्लड प्रेशर की दवाई लेते रहते वो, और फिर मानसिक बीमारी है उसकी दवाई लेते आप, मानसिक बीमारी भी है उससे भी होता नहीं है, या पीठ के हड्डी में कुछ प्रॉब्लम है, वहाँ नर्व दबी हुई है या नर्व का कुछ प्रॉब्लम है, तो ऐसे काफ़ी सारे फिजिकल इलनेसेस जो है जिसकी वजह से सेक्स होता नहीं है। और वो फिर एक बार ऐसा हो गया कि बहुत ज़्यादा शुगर है, थकान है, शुगर बहुत ज़्यादा है करके उस दिन नहीं कर सका क्योंकि फिजिकली फिट नहीं है, 450 और फिर उस दिन करता नहीं है, और फिर वहाँ से एकदम शॉक बढ़ जाता है कि मैं काम का नहीं रहा। क्या होता है कभी कभी लोगों को मालूम ही रहता नहीं कि हमको शुगर है करके, वो हमारे पास में आते हैं कि हमारा इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, लिंग में कठोरता आती नहीं, मैं उनको बोलता हूँ ऐसा करो आप शुगर कर लो 450 तब तक वो कैसे जिंदा रहे, कैसा उन्होंने एडजस्ट कर लिया भगवान जाने, मगर वो धीरे धीरे शुगर बढ़ते जा रही है और इधर लिंग की कठोरता कम होते जा रही है। जैसे बड़े 11 कारण है, मैं फिर से दोहराता हूँ, नंबर एक है सेक्स वर्कर के पास में जाना, नंबर दो है ये शुरुआत वहाँ से होती है ना, गर्लफ्रेंड के साथ में जाना नंबर दो, नंबर तीन रेड हैंडेड पकड़े जाना, नंबर चार एक्सेसिव सेक्स करना, नंबर पाँच डोमिनेटिंग वाइफ है, नंबर छः मास्टरबेशन गिल्ट है, नंबर सात अखबार में विज्ञापन आते रहते हैं तेल मालिश के और आपने गलती की है ऐसे अखबारों में जो विज्ञापन है उसकी वजह से, नंबर आठ प्रेशर ऑफ फर्स्ट नाइट, नंबर वन फिजिकल एक्सर्शन और थकान, नंबर 10 तनाव, दिमाग में तनाव, स्ट्रेस और टेंशन और एंग्जाइटी डिप्रेशन, और नंबर 11 शारीरिक बीमारियां फिजिकल इलनेस। तो ये है, एक बार पहली बार वो फेल हो गया तो दिमाग में एकदम शॉक बच जाता है कि अरे मैं काम का नहीं रहा, क्या हो गया, और फिर वो क्या करता है एक बार फेल होने के बाद में दूसरे दिन की राह देखता है, दूसरे रात की राह देखता है, क्योंकि आज तो ठीक है नहीं जमा, आज तो मैंने कुछ झूठा मूठा कुछ बोल के वाइफ को तो बता दिया कि ठीक है आज ऐसा हो गया, अभी कल का कैसा होगा, और वो कल के चक्कर में फ्यूचर की चिंता और कल कैसा होगा, रात भर भी सोता नहीं, दिन भर भी बहुत ही बिजी, काम में बिजी है, दिमाग में वही चल रहा है कल जमेगा जमेगा नहीं जमेगा, और रात में आके फिर अभी बहुत दिमाग में टेंशन है कि कल मैं फेल हो गया था आज जमेगा कि नहीं जमेगा, और उसमें जमता ही नहीं, फिर वो जो जहरीला चक्र है उसमें वो फंस जाता है, विशेष साइकिल, और वो बढ़ते 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 जाता है। तो मुझे यही है कि आपसे नम्र निवेदन है कि जहरीले चक्र में मत जाओ, एक बार फेल हुआ इसका मतलब फेल हुआ, और इसका मतलब आदमी में नहीं है ऐसा नहीं है, एक बार फेल हुआ इसका मतलब एक बार फेल हुआ, एक बार नहीं आया इसका मतलब एक बार नहीं आया नहीं आया इसका ऐसा मतलब नहीं जिंदगी भर नहीं आएगा, ऐसा करेंगे तो कहीं किसके पास जाने की जरूरत नहीं है, अदरवाइज आपने साइकियाट्रिस्ट के पास में जाना है और वहाँ जाके इलाज अपना करना है ताकि आपको सही सलाह मिल जाएगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपको अच्छा लगा तो जरूर हमारा चैनल सब्सक्राइब करो, थैंक यू वेरी मच।